नमस्कार मित्रों, महाकवि भर्तृहरि अपने श्रृंगार शतक में इस संसार में क्या सेवनीय है इसकी बात करते हैं। आनंद लीजिए, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। किम यह बहुभिरोक्तै युक्त शून्य ही प्रलापै द्वयमपि पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम्। किमिह बहुभिरुक्तै युक्ति शून्यै प्रलापै द्वयमपि पुरुषाणां सर्वदा सेव्यनीयम्। अभिनव मदलीला लालसं सुन्दरीणां स्तनभर परिखिन्नं यौवनम वावनम वा। भैया, लोग बाग बड़ा चिल्लाते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं, स्त्री नरक का द्वार है, काम से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ना, युक्ति शून्य ही, इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई सार वाली बात नहीं है। वो तो उनको अपना बोलना है इसलिए बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि इस संसार में मनुष्य के लिए दो ही चीजें सेवन करने के योग्य हैं। भैया कौन कौन सी दो चीजें हैं? अभिनव, नवीन नवीन जिसके ऊपर युवानी आई हो, और मद के यानी युवानी के नशा में जो चूर हो, ऐसी किसी सुंदरी जिसके हृष्ट पुष्ट स्तनों के मध्य में अपना सिर रख करके उसकी युवानी का आनंद लेना, उसका सेवन करना, या फिर जहां भी नई नई घास उगी है, सुंदर पर्वत के शिखर हैं, ऐसे किसी वन का सेवन करना। तो भैया, या तो वन में चले जाइए या यौवन में चले जाइए। या तो सेवनीय युवान है तो यौवन का सेवन कीजिए, वानप्रस्थ है तो भैया वन का सेवन कीजिए। वन में प्रस्थान करने के लिए तो वानप्रस्थ होते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन एक हिंदी के कवि रसिक हुए, वो कहते हैं, रसिक सुनहु तुम कान दे सब ग्रंथन को सार। रसिक कवि कह रहे हैं, कान लगा के सुनो, मैं सभी ग्रंथों का सार आपको सुना रहा हूं। योग भोग में एक बिन यह संसार असार। तो भैया, या तो योग कर लो, वन में चले जाओ, और नहीं तो फिर जम के भोग करो। अब ना योग कर पाए ना भोग कर पाए, और पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी व्यतीत कर दी, तो भैया जिंदगी बेकार है। जीवन में याद रखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको तय करना होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।